आम आदमी हो या सेलिब्रिटी या हो नेता, कोई भी कोरोना वायरस के कहर से बच नहीं पा रहा है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और उनके फैमिली का भी पूरा चेकअप किया गया, जिसमें अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ऐश्वर्या राय, आराधना बच्चन, जया बच्चन सभी निगेटिव है। ट्वीट करके खुद अमिताभ बच्चन ने इसकी जानकारी दी, कहा जो लोग भी 10 दिन में उनके संपर्क में आए हैं वो सभी टेस्ट करा लें। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि इन सभी को माइल्ड है, बहुत कम लक्षण है और सभी सेफ हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और जल्द ही ठीक होकर आ भी जाएंगे। लेकिन बात यही है कि कड़ी सुरक्षा के बीच अब राजनेता, अभिनेता कोई भी नहीं बच पा रहा है, तो आम जनता से यही अपील की जा रही है कि सभी सुरक्षित रहें। ये अस्पताल से जानकारी दी गई है कि अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है, काफी सुधार है, सब कुछ ठीक है और अभिषेक बच्चन की भी स्थिति नॉर्मल है, बस कोरोना के लक्षण है जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जल्द ही ठीक होकर समय सुविधा के साथ सभी वापस आ जाएंगे। और घर में अन्य लोगों की भी, जो भी कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, जो भी संपर्क में आए हैं, सबका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। आगे ही पता चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हुए और आखिर कहां से ये कोरोना फैला है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का, सभी तरह के नियमों का, गाइडलाइन का पालन इस परिवार के द्वारा किया जा रहा था, फिर भी कोरोना कैसे फैला ये भी एक बड़ा सवाल है।